दोस्तों, हमारे देश के महान प्रधानमंत्री इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे में अपने आप को सम्मानित करवा रहे हैं। उन्हें कोई राशि भी मिल रहा है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है कि प्रधानमंत्री को जो है इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, शरद पवार उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तरह तरह की वीडियो सामने आ रही है। एक वीडियो और सामने आई है दोस्तों, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और उनके चाहने वाले नेता जो है वो किस तरह से बेखबर सो रहे थे, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से शेयर किया जा रहा है कि कैसे जो है महाराष्ट्र के सीएम जो है प्रधानमंत्री मोदी बोले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं और वो ऐसे सो रहे हैं, झपकी ले रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री को के भाषण का अपमान नहीं है दोस्तों? क्या प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मंच पर ऐसे नेताओं का सो जाना, वो भी एक राज्य के, महाराष्ट्र जैसे राज्य के सीएम शिंदे का सो जाना, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को शायद अब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर लड़ाई चल रही है कुर्सी को लेकर, और ये कुर्सी कब तक किसके पास रहेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस मंच पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है लोगों, अगर आप देखेंगे तो इस मंच पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार और शिंदे जैसे शख्स जो हैं बड़े बड़े नेता, दो डिप्टी सीएम और एक सीएम नज़र आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की बातों को कैसे सुन रहे हैं इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि वो प्रधानमंत्री के भाषण से ज़्यादा सोने में व्यस्त हैं। और इस तरीके से जो लोग हैं उनकी वीडियो शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री की अब भाषण का भी कोई महत्व नहीं रहा है, अब उनके भाषण को देखकर नेता लोग जो हैं वो सो जा रहे हैं कि वही घिसी पिटी लाइन जो है वो बोली जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।